सैटरडे की मॉर्निंग, आज जम कर रिलैक्स करूँगा। ये पैक क्या कर रहा है बाहर? ये बैग कल ही खरीदा है ना यार, पुराना वाला फट गया था। सही है ना? पापा के दिए हुए जूते कम सैंडल को पहनकर मैं निकल दिया घर से बाहर। पूरी वीडियो में एक चीज कॉमन रहेगी, ये मेरे बाल सेट करने की गंदी आदत। घर से 2 कदम की दूरी पर मैंने ऑटो पकड़ लिया और अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन। मेट्रो का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता, ये मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा चला होगा। ये वाली इतनी तेज चलती है, ऐसा रहा रेल बना दी है, गिरते गिरते बचाऊ दो बार। ये है सराय काले खां बस स्टैंड। हालांकि बस उतनी बुरी नहीं है, पर गर्मी में बहुत दिक्कत होती है। अभी तो खैर सर्दी है इसलिए कोई बात नहीं। सफर तो असली अब शुरू हुआ है। ट्रेन हो या बस, उनकी खिड़की से दिखने वाले नज़ारे बड़े अच्छे होते हैं। हालांकि ये नज़ारे बहुत यूनिक नहीं होते हैं, पर फिर भी ये जो गांव की ब्यूटी है अनमैचेबल है। 2.5 घंटे बाद बस रुकी एक ढाबे पर, जहाँ पे मैं थोड़ा हल्का हुआ और मैंने कुछ खरीदा नहीं, सिर्फ पानी पिया, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा देखने में। बस कुछ ही देर में मैं मथुरा पहुंच जाऊंगा और उसके बाद एक खास जगह जाऊंगा। दिस इज माई डेस्टिनेशन, यहाँ पे आना था भाई। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे चिंताहरण मंदिर। हम लोग मतलब अभी मैं दिखाता हूँ फोन। जर्नी बहुत लंबी हो गई यार, टोटल 4 घंटा 10 मिनट लगे हैं यहाँ पहुँचने में, बहुत लंबा टाइम ले लिया। इस भाई की दुकान से मैंने खाए 10 रुपये के गोलगप्पे, बहुत बढ़िया नहीं थे लेकिन ठीक थे। तीखे थे, छाला हो रखा है, गोलगप्पे और खा लिए। चलो थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी जर्नी के अगले पड़ाव पर। मैम की इच्छा थी कि हम लोग चलें चिंतारण मंदिर, इसलिए मैं मथुरा आ गया हूँ और आगे का सफ़र अब एक्टिवा से पूरा होगा, जो कि बहुत लंबा नहीं है, पर फिर भी 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। क्योंकि मैं मैम के पीछे बैठा था इसलिए मुझको मेरी जान की थोड़ी थोड़ी चिंता हो रही थी, पर यह नज़ारे इतने सुंदर थे सारी चिंता इनको देखने से ही दूर हो गई। यह है श्री ब्रह्मांड बिहारी मंदिर और यह मंदिर चिंताहरण मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर पहले पड़ता है, और यहाँ का भी नज़ारा काफ़ी सुंदर है। एक बार जरा देखिए घाट को। थोड़ी देर ऐसे ही टहलते टहलते हम लोगों को कुछ नाव दिखाई दी, फिर हम उस नाव पे चढ़ गए, इसलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, देखना मेरी उंगली भी दिखेगी। ये मात्र 250 रुपये, नहीं मात्र नहीं, 250 रुपये दे करके हम लोग बोट पे चढ़ गए, और उसके बाद जो नज़ारा देखने को मिला वो किसी पेंटिंग से कम नहीं है। वाह। इसके बाद अगला स्टॉप था चिंताहरण मंदिर। चिंताहरण मंदिर और यह है मंदिर हमारा। ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि मंदिर की तौहीन नहीं करनी चाहिए, जितना है बाहर से देखना चाहिए थोड़ा थोड़ा। यह है चिंताहरण मंदिर। यमुना घाट के किनारे बना हुआ है एकदम। बस
ये है घाट, चिंतारण मंदिर का घाट। काफी सुंदर है ना, पेड़ पौधे। पर सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ बंदर। ये देखो भाई, डॉगो भाई, कल्लू भाई, कल्लू नहीं है, काला तो मुंह है सिर्फ इसका। ये ऊपर ना बंदर ही बंदर है, और तोते होते भी। वो देखो राका भाई, ये है ना बढ़िया। अरे भैया यहीं आ रहे हो सामने सीधा से, इधर क्यों आ रहे भाई? अरे भाई डेंजरस तो लग रहा है ना, देखो कच्चा। तो ये था चिंतारण मंदिर। अब मैं जा रहा हूँ कोई ऐसी जगह ढूंढने जहाँ पे हम लोग खाना खा पाए, ठीक है। ये चिंतारण मंदिर से थोड़ी सी दूर आकर के ये अंकल की दुकान आती है। इस दुकान पे आकर के आप लोग भी अगर आओ कभी तो चाय पी लेना, यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। अंकल जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने खाना खाने के लिए दिखाई दिया है। यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं हम लोग। ये है अंकल जी। राम राम अंकल जी। राम राम भैया, राम राम। खाने में मैंने बनाया था पास्ता और मूंग दाल का हलवा, जो कि दोनों ही एक नंबर थे। मज़ा आ गया था यार फिर खाना है। अब शाम हो गई है और वो टाइम आ गया है जब मुझे वापस से दिल्ली आना है। कोई भला कैसे चले तेरे बिना कैसे जिए। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था और मैं दिल से कहता हूँ मेरी फटी पड़ी थी। मैं पहुँच चुका हूँ मथुरा जंक्शन। सफ़र यहीं पे ख़त्म हो रहा है मेरा, पर मैं स्टिल अपने घर पहुँचने तक की जर्नी आपको दिखाऊंगा। मैम ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश करी, पर मुझे आना ही था क्योंकि अब मुझे चाहिए रेस्ट। अगले दिन सोऊंगा नहीं तो मंडे को काम पे जाऊंगा नहीं, और काम करना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लेटफॉर्म पे बैठ के थोड़ी देर मैंने अपने बाल सेट किए और ट्रेन ऑन टाइम होने के कारण वो भी जल्दी से आ गई। हर बार की तरह मेरी सीट इस बार भी किसी और ने हथिया ली और मुझको मिडल सीट पकड़ा दी। मथुरा से लेकर दिल्ली का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई एडजस्ट करने में। और दो ढाई घंटे के अंदर मैं भी पहुंच गया था हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे, जहां से फिर एक बार मैं रिवर्स मेट्रो पकड़ूंगा और घर की ओर निकल जाऊँगा। ये पीते पीते अब घर चलेंगे, शायद पैदल जाना पड़ेगा कि बोला यार ऑटो इससे कहाँ मिलते हैं इतनी रात का। घर पहुंचा और देखा एक छुटकू सा पार्सल मेरा इंतज़ार कर रहा था। साला पहले आया था तो यही पहन के चले जाता मैं। शिट मैं।